ये कहानी है सीता और गीता की। ये दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह थी। एक BTS लवर थी तो दूसरी BTS से नफरत करती थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन सीता फोन चला रही होती है कि तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। हे भगवान, रात के 8 बज गए हैं, BTS का शो शुरू ही होने वाला होगा। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ये शो आराम से बैठ कर देखूंगी। अगर काम नहीं निपटाया तो माँ बार बार मुझे परेशान करेगी। इतना बोल कर सीता जल्दी से अपने घर के काम खत्म करके कमरे में जाकर शो स्टार्ट होने का वेट करती है। जैसे ही शो स्टार्ट होता है तभी सीता खुशी से उछलने लगती है। यस, इस शो को देखने के लिए न जाने मैं कब से वेट कर रही थी। फाइनली ये शो देखने के लिए अब मैं फ्री हूँ। पता नहीं मैं इस शो को सामने से कब देखूंगी। लगता है इन्हें सामने से देखना मेरा सपना ही रह जाएगा। इतना बोलकर सीता शो में पूरी तरीके से डूब जाती है। रात के करीबन 10 बज गए थे और अभी भी वह फोन में BTS का शो ही देख रही थी। अगली सुबह जब वह अपने ऑफिस जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड गीता से बोलती है। यार गीता, तूने कल रात का शो देखा? यार मैं तो जंगकुक की फैन हो गई। उसका डांस सच में वाव था। अगर वो मुझे रियल लाइफ में मिल गया ना तो कसम से मैं तो उससे शादी कर लूंगी। ओ मैडम, अपने सपनों से बाहर निकल। तू यहाँ कोरिया में अपने जंगकुक के पास नहीं है, बल्कि इंडिया में ऑफिस के अंदर है। इसलिए वहाँ से बाहर निकल और अपने काम पे ध्यान दे, नहीं तो अगर यहाँ के ओनर आ गए ना तो तू देख लियो, तेरा कल्याण ही हो जाना है। गीता की बात सुनकर सीता अपने काम में ध्यान लगाती है। समय यूं ही गुजरता जाता है और समय के साथ सीता BTS के पीछे पागल होती जाती है। ऐसे ही एक दिन गीता सीता के घर जाती है, जहां वह सीता को अपने फोन पर BTS के वीडियो देखते हुए मिलती है। हे भगवान, सीता तो इन सब से बाहर निकलेगी या नहीं? आंटी आंटी! अरे क्या हुआ गीता बेटा, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? देखो आंटी, आप अपनी प्यारी और लाडली बेटी को देखो, ये कोरिया के पीछे पागल हो चुकी है। अरे इसकी शादी वगैरह करवाओ, नहीं तो ये कोरिया के पीछे सच में पागल हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसे पागल खाने में एडमिट करवाना पड़े। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, इसकी उम्र भी हो गई है। एक अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी करा दूँ मैं। देखो माँ, अगर मेरी शादी करवानी है तो मैं पहले ही बता रही हूँ, लड़का दिखने में बिल्कुल जंगकुक की तरह होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिला ना तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के हम उसको वैसा ही बना देंगे। सुनीता की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। समय गुजरता जाता है और गुजरते समय के साथ गीता की शादी अरुण नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद गीता अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। ऐसे ही एक दिन सीता गीता के ससुराल जाती है, जहां उसकी टक्कर उसके देवर वरुण से होती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं क्या, जो सामने से इतनी सुंदर लड़की दिखाई नहीं दी आपको? अच्छा मैडम, ये बटन नहीं आंखें ही हैं। लगता है आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी आपको इतना हट्टा कट्टा हैंडसम नौजवान दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें हट्टा खट्टा और स्मार्ट कहेंगे तो मेरे जंकू को क्या कहेंगे? बेवकूफ, खुद की बॉडी को खुद ही शेमिंग कर रहा है। सीता और वरुण की बहस चल रही होती है कि तभी वहाँ गीता आती है और उन दोनों को लड़ते झगड़ते देख बोलती है। अरे अरे, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? पता नहीं यार, तेरे घर में ये पागल आदमी कौन है? मैं तो अपने फोन में अपने जंकू को देखते हुए आ रही थी, लेकिन पता नहीं ये कौन है जिसको मैं नहीं दिखी। सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ गई टक्कर मारने। ओ हेलो, तुम कोई सुंदर लड़की नहीं हो, और भाभी ये है कौन, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है हमसे? छी गीता, ये तेरा देवर है, मुझे नहीं पता था कि तेरा देवर इतना घटिया होगा। ओ घटिया किसे कहा तुमने? तुम्हें कहा, और किसे कहा? अच्छा, तो जैसे तुम अपने फोन में जंगकुक को देखती आ रही हो ना, वैसे ही मैं जिमिन को देख रहा हूँ। जिमिन का नाम सुनते ही सीता के चेहरे पर खुशी झलक जाती है और वो खुशी से वरुण से कहती है। क्या कहा तुमने, जिमिन? ये तो BTS आर्मी में है,
इसका मतलब तुम भी BTS लवर हो। अरे और क्या, BTS का एक भी शो मिस नहीं करता। अभी पिछला शो 1 बजे तक चला था, रात के पूरा देखा था मैंने। हाँ मैंने भी देखा था, कितनी कमाल की बात है ना, हमारी टक्कर हुई भी तो कैसे। वैसे गीता तेरा देवर बहुत अच्छा है। लो हो गया कल्याण, राम लगाए जोड़ी, एक अंधा और दूसरा कोड़ी, दोनों ही यहाँ पे BTS लवर हैं। तू चुप कर, अब मुझे तुझसे नहीं वरुण से मिलना है। क्यों वरुण, दोस्त है ना अब हम। हाँ बिल्कुल। सीता अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाती है और वरुण उसे दोस्ती कर लेता है। कुछ समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और बहुत ही जल्दी सीता और वरुण की शादी हो जाती है। सीता गीता अब बेस्ट फ्रेंड के साथ देवरानी जेठानी बन चुकी थी। समय अच्छा गुजर रहा था। गुजरते समय के साथ वरुण और सीता गीता और अरुण को भी BTS लवर बना देते हैं। ऐसे ही एक दिन सीता गीता अपने ससुराल में काम कर रही होती है, तभी वहाँ वरुण और अरुण टिकट लेकर आते हैं। सीता, तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। अच्छा और वो क्या है? अरे इमेजिन करो क्या हो सकता है। तुम मुझे बाहर डिनर के लिए ले जा रहे हो, राइट? सीता की बात सुनकर वरुण उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है, और जैसे ही सीता अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ आगे करती है, वैसे ही वरुण उसके हाथों में BTS के कॉन्सर्ट के टिकट रख देता है। तो वहीं अरुण गीता के हाथ में टिकट रख देता है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ, वो लोग इंडिया आ रहे हैं अभी लाइव, हम लोग साथ में जाके उनको देखेंगे, वो भी रात के 9 बजे। जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अरुण जी मैं बहुत खुश हूँ, मतलब आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है मुझे। पहले तो मैं BTS के खिलाफ थी, लेकिन जब से मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी देवरानी बनी है ना, तो उसने मुझे फैन बना दिया और मेरे देवर जी ने आपको, अब हम दोनों भी BTS लवर हैं। अरे हाँ हाँ, अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, जाओ तैयार हो जाओ, और हाँ माँ को खाना दे देना। सीता और गीता आज दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि आज वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव BTS का शो देखने जा रहे थे। वो सभी फटाफट से सारा काम खत्म करते हैं और अपनी सास को खाना खिला देते हैं और अपने अपने पति के साथ BTS का शो देखने के लिए निकल जाते हैं। रात के करीबन 2 बज चुके थे और वह चारों घर आते हैं और उनकी सास दरवाजा ही नहीं खोलती है। माँ जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, कहीं वो हमें बाहर ही तो नहीं रखने वाली है। चुप करो, मैं माँ को फोन करता हूँ। इतना बोलकर वरुण अपनी माँ को दरवाजा खोलने के लिए फोन करता है। ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा बेटा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कहा था कि तुम समय पे आओगे, लेकिन इतनी रात के 2 बज रहे हैं, ये कोई समय घर आने का। माँ जी माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। ना तो तुम्हें माफी मिलेगी और ना ही दरवाजा खुलेगा, बाहर ही बैठ रहे हो तुम लोग, और अगर तुम लोग चाहते हो कि दरवाजा खुले तो उसके लिए तुम लोग कान पकड़ के उठक बैठक करो और अपने सर से ना ये BTS का भूत उतार दो, ठीक है? माँ जी हम दरवाजे के बाहर उठक बैठक कर रहे हैं या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा, दरवाजा तो बंद है ना, देखने के लिए तो आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। मेरी छोटी बहू इतना दिमाग मत चलाओ, वरना तेरे अंदर जो बचा खुचा दिमाग है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और तुम्हें ये किसने कहा कि मैं बंद दरवाजे के पीछे से तुम लोगों को देख नहीं पाऊंगी, दुनिया में ना वीडियो कॉल नाम की भी कोई चीज होती है, उससे देखूंगी मैं तुम्हें। इतना बोलकर उनकी सास वरुण के फोन पर वीडियो कॉल करती है और इस तरह वो चारों वीडियो कॉल पर बाहर दरवाजे के उठक बैठक लगाते रहते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में अजय अपने बड़े बेटे कुणाल, छोटे बेटे विजय और अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। उनका काफी खुशहाल परिवार था। अजय की सरकारी नौकरी लगी हुई थी, बस इसलिए उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। आज कुणाल काफी खुश था, और वो खुश होता भी क्यों नहीं, आखिर कुणाल की एक अच्छी नौकरी जो लग गई थी। कुणाल अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है और अपने घर वालों को खिलाते हुए कहता है, माँ पापा विजय लो तुम सब मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा करो। पर तू ये मिठाई खिला क्यों रहा है? हाँ भैया आखिर आप हमें मिठाई क्यों खिला रहे हो? क्योंकि बात ही मिठाई खाने वाली है, आपको पता है मेरी जॉब लग गई, अब मैं गांव में जाकर गांव का निर्माण करूंगा। अरे वाह
ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। अब मेरा बेटा गांव का निर्माण कर गांव की हर लड़की को पढ़ाने का मौका देगा। हाँ माँ, क्योंकि आप सही कह रही हैं। अब मैं हर उस लड़की को पढ़ाई करने का मौका दूंगा जो अपने पढ़ाई के अधिकार से वंचित रह जाती है। तो बेटा, तू कब जा रहा है गांव? बस पापा, लेटर आ जाए उसके बाद मैं गांव चले जाऊंगा। भैया, अब तो आपकी सरकारी नौकरी लग गई और पापा की भी सरकारी नौकरी है, अब मैं भी ना बाहर जाकर पढ़ाई कर सकूंगा। बेटा, बाहर जाना ही क्यों है? अरे, जो पढ़ाई बाहर होती है वही पढ़ाई यहाँ भी होती है। नहीं माँ, अगर विजय को बाहर जाकर पढ़ना है तो उसको मैं पढ़ने का मौका दूंगा। विजय, अब तू बाहर जाने की तैयारी कर ले, मैं हूँ ना, मैं तेरा पूरा खर्चा उठाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर विजय काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और समय के साथ कुणाल गांव चला जाता है, तो वहीं अब विजय भी अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, देखते ही देखते 2 साल का समय भी गुजर जाता है। कुणाल समय समय पर अपने परिवार वालों से बात करता रहता और कभी कभी तो वो अपने माँ बाबा के पास उनसे मिलने भी जाया करता। पर विजय मानो विदेश जाकर अपने माँ बाप को भूल ही गया था। ऐसे ही एक दिन कुणाल अपनी माँ के पास फोन करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और पापा कैसे हैं? पापा अपनी दवाइयाँ समय से तो ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, तेरे पापा भी अच्छे हैं और वो समय से ही दवाइयाँ लेते हैं। बेटा, मैं क्या कह रही थी कि अब तेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए तू मुझे बता दे, तुझे कोई लड़की पसंद है? अगर पसंद है तो बता दे, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। हाँ माँ, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है और वो यही गांव की है। माँ, मैं आपको लेने बहुत जल्द आऊँगा। कुणाल अपनी माँ से बात कर फोन कट कर देता है। समय गुजरता है और समय के साथ सीमा और अजय गांव जाते हैं और कुणाल की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद कुणाल अपनी पत्नी सरिता और अपने परिवार के साथ मुंबई आ जाता है। मुंबई आने के बाद सरिता अपने घर की जिम्मेदारी काफी अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक शाम सीमा के घर की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर सीमा अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा दरवाजे पर देख तो सही कौन आया है। जी अम्मा जी, हम अभी देखते हैं कि दरवाजे पर कौन है। सरिता अब दरवाजा खोलती है, जहां वो अपने दरवाजे पर अपने देवर विजय को देखती है। विजय को देखकर सरिता अपनी सास से कहती है, हाय राम, अगर हम गलत नहीं तो आप तो हमारे देवर जी है ना। अम्मा जी देखिए ना, देवर जी आए हैं। अरे विजय बेटा, तू आखिरकार तू घर वापस आ ही गया। इतने समय से तूने ना तो हमें याद किया और ना ही हमारा हाल समाचार लेने की कोशिश की, तो अब क्यों आया है? माँ, मैं वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा था और आपको पता है अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, मैं उसका मालिक बन चुका हूँ। और रही आपकी बात, तो जिसने मुझे इतने नाजों से पाला है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? और वैसे माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? आपकी बहू मैरी से। क्या, बहू से? हे भगवान, तूने विदेश में शादी भी कर ली। हाँ माँ, लड़की अच्छी थी तो मैंने शादी कर ली। मैरी, अंदर आ जाओ। विजय की आवाज़ सुनकर मैरी घर में आती है। मैरी काफी गोरी और सुंदर थी, उसका रंग दूध के जैसे बिल्कुल ही सफेद था। उसको देखकर सरिता खुद से कहती है, अम्मा जी, आपकी तो गांव वर्सेस विदेश बहू मिल गई, देखो तो कितनी गोरी है। हे भगवान, हम कोनो पाप किए थे का जो आप हमको इतना गोरा नहीं बनाए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज मैरी। अरे हाँ हाँ देवरानी जी, तुम मेरी तो हो ही, पर तुम्हारा नाम क्या है? हम तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। अरे भाई, अगर हमसे कोई तुम्हारा नाम पूछ लेगा तो हम उका का बताएंगे। भाभी, इसका नाम ही मैरी है। अच्छा अच्छा, मेरी देवरानी का नाम मैरी है। नॉट मैरी, इट्स मैरी। विजय और घर में अंग्रेजी लड़की की आवाज सुनकर अब अजय और कुणाल भी बाहर हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि विजय के साथ एक विदेशी लड़की है। उसको देखकर अजय अपने बेटे से कहता है, विजय बेटा, ये है कौन? पापा, ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली इससे। मुझे आप लोगों को बताने का समय नहीं मिला, बस इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। आई एम सो सॉरी, पर आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैरी बहुत अच्छी है। जैसे आपको अपने घर की बहू चाहिए थी ना, मैरी वैसी ही है। अजय शुरू से ही बड़े शहर में रहा करता था, बस इसलिए उसे कुछ नहीं बोलता और वो
उसकी विदेशी बीवी को अपना लेता है। समय गुजरता है और समय के साथ अब सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मैरी रसोई में जाती है, जहां वो अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी ये आप क्या बना रही हैं? ये देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है। देवरानी जी यह है पूरी और यह है पनीर की सब्जी और यह है खीर। ओके वेल जेठानी जी इफ यू डोंट माइंड सो कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ बोलिए ना, हम सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। आप ये क्या साड़ी पहनती रहती हैं? मतलब क्या आपको इस साड़ी में गर्मी नहीं लगती है? वी आर इन द 21st सेंचुरी, टाइम इज प्रोग्रेसिंग एंड यू स्टिल वियर साड़ी ओनली। हम जानते हैं देवरानी जी कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, साथ ही अब समय काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम समय के साथ अपने कल्चर को भूल जाएं। और हाँ, हम तुमको समझा देते हैं कि ये इंडिया है इंडिया, यहाँ पर एक छोटका कपड़ा शोभा नहीं देता है बहू के ऊपर। हमरी मानो तो तुम भी एगो साड़ी ले लो हमसे। बट मेरे को साड़ी पहनना नहीं आता है, मैं साड़ी कैसे पहनूंगी? अरे तुम चिंता काहे करती हो, अभी तुम्हारी जेठानी जिंदा है। अरे हम है ना, हम तुमको साड़ी पहनना सिखाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करते हुए घर का खाना बना लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मेरी बहू सरिता बहू, आज शाम हमें पार्टी में जाना है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। पर माँ जी हमें जाना कहाँ है, हमको तो तैयार होना आता ही नहीं है। जेठानी जी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपको तैयार कर दूंगी। मॉम जी आप भी जाकर तैयार हो जाओ। मैरी की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है, तो वहीं अब मैरी और सरिता भी तैयार होने चली जाती हैं। जहां मैरी काफी अच्छे से तैयार होती है, तो वहीं सरिता बिल्कुल गांव की लड़की जैसे तैयार होती है। पर जब सरिता मैरी को मेकअप के साथ देखती है, तब उसका मुंह उतर जाता है। अपनी जेठानी का उतरा हुआ मुंह देखकर मैरी सब समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी को अच्छे से तैयार करती है। खुद का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सरिता हैरान रह जाती है और शीशे में खुद को देखते हुए मैरी से कहती है, हाय दैया ये हम है का? हमें तो खुद की आंख पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं कितनी बदल गई हूँ। मैरी तुमने तो मुझे काफी अच्छे से तैयार कर दिया है, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रही। कोई बात नहीं जेठानी जी, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, आप अब ऐसे ही बनकर रहेंगी, आप मेरे को साड़ी सिखाई है और मैंने आपको मेकअप। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करने के बाद एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तो वहीं दूर खड़ी सीमा अपनी दोनों बहुओं को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी गांव की बहू और विदेशी बहू में इतना प्यार होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, चलो अच्छी बात है। इस तरह से अब सभी खुशी से रहने लगते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ अब मैरी को अमेरिका वापस जाना पड़ता है, पर वो जाते हुए अपने ससुराल वालों से कहती है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे एक इंडियन परिवार मिला जिससे मुझे प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ दिया, मैं इस परिवार को खोना नहीं चाहती, बस इसलिए जब भी आऊंगी तो कुछ समय के लिए नहीं आऊंगी बल्कि हमेशा के लिए आऊंगी। इतना बोलकर अब मैरी विजय के साथ विदेश चली जाती है। तो वहीं अब कुणाल अपनी पत्नी और अपनी माँ बाप के साथ रह जाता है।